आप अपने अधिकार के लिए सतर्क हो जाएं, इस चीज को बताने के लिए जो है कि नौजवान साथी बाबा साहब जागृतिक अभियान एक चला रहे हैं, और उसके साथ आपका पहला गांव है जहां हम लोग आए हुए हैं। यह खड़ौरा से कार्यक्रम चालू हुआ है, आपके यहां पहला जगह है। इसके बाद मुस्तफाबाद जाना है, नहीं मुस्तफाबाद, आप मुस्तफाबाद से आप लोग आए, तो आप लोगों को यही कहना है कि जैसे आप माताएं बहने सबसे ज़्यादा समस्याएं आप लोगों से ही हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में एडमिशन कराती हैं तो यह अनुमान के पहले से तय रखती हैं कि मतलब वो सरकारी स्कूल बात हो जाए कितना नहीं पढ़ाई होता चल ना जी बेचार दिन तक कोनो बात ना, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब आप खुद तैयार नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो सरकारी स्कूल का अध्यापक कितना आपके बच्चों को पढ़ाएगा। तो आप अपने बच्चों के प्रति देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ है जब आप अपने बच्चों के लिए नौनिहाल जो बच्चा है आप उसको इतना प्यार करती हैं, माताएं बहनें नौजवान साथी अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब उसको शिक्षा की बात आती है तो इस चीज़ को आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आप जो कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, उसकी कापी किताब की व्यवस्था नहीं करते हैं, उसके ड्रेस की व्यवस्था नहीं करते हैं, विद्यालय नहीं भेजते हैं, तो उसकी उस शिक्षा से वह वंचित रह जाता है और वह विकास नहीं कर पाता है, और बाबा साहब का मिशन अधूरा रह जाता है, और दिन भर आप लोग जो है कि अन्य जगहों पर व्यस्त रह जाती हैं और अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष फोकस नहीं कर पाती हैं। इसलिए हम लोगों का विशेष अभियान के तहत यही बताया जा रहा है कि आप लोग, चूँकि हमारा समाज इतना जागृत हो रहा है, इतनी तेज़ी से जो है कि हमारा समाज बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज जागृत हो रहा है, बाबा साहब को समझ रहा है, इसलिए आप लोगों से भी निवेदन हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में गाजीपुर जिला के भीम आर्मी के जिला प्रभारी मनोज कुमार गौतम जी हैं जो अभी बोल रहे थे, दिनेश बौद्ध जी आप जखनिया विधानसभा के अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और मैं भी गाजीपुर विधान महासचिव हूँ भीम आर्मी का, और मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ मनियारी में, जनरल सीट से आप मैं चमार जाति का हूँ, मैं चुनाव जीता हूँ वहाँ। आप लोग यही वहाँ पे लोगों का जो जागरूकता थी उन्हीं लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया, तो किसी का भाई बेटा ऐसी बीच में से कुछ भी बन सकता है, बशर्ते कोशिश होनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए आप अपने बच्चों को अवश्य आप लोग पढ़ाइए, हर काम छोड़ के पढ़ाइए। जय भीम 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 जय भीम। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जय भीम 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 जय भीम। आप लोग भी बोलिए जय भीम 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 जय भीम। ए राहुल जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।